सुनो उसके रिंग को पापा इन बालक का एडमिशन ना करवाना गए थे दोनों का, सब ने ना एडमिशन करवा दिया। फिर सीट भर जाएंगी, फिर वो फीस ज़्यादा ले लेंगे, फिर अड़ा तड़ा लगाऊंगे स्कूल वाले। हाँ बालक फीस एक साल की पूरी जमा कर दियो। मेरे तो रोज़ रोज़ बालक आके ना कोने सुनी जा, रोज़ आके ना कहूँगा माँ आज भी फीस दे, आज भी फीस दे। मेरे तो रोज़ रोज़ फीस का टंटा कोनी। आप तो चले जाओ हो, आपने तो बालक कहाँ को नहीं। इसकी मैडम का फोन आएगा, हेलो जी आपके बच्चे की फीस रहती है। बालक कहाँ है आते फिर नुगा, मम्मी फीस मंगवाओ हैं, एक तारीख होती है वो तो फीस। और उनका भी ठीक है, सच चीज़ है, जो मान ले मास्टर बहन जी लगा रखी हैं उन्हें भी तो तनख्वाह दे। मैं बड़का ही फीस आओगी जब तो तनख्वाह जाओगी। ये मान लो आप काम करो तो आप ताई भी जब तनख्वाह आवा है। के कहा था मैं करवाया हूँ, शर्म आनी चाहिए, सारा काम मैं करवाया हूँ। कि फिर आदमी बाप क्या नाम का है, कोई भी काम होगा तू चली जा, तू चली जा, मतलब सारा काम मैं कर ही जाऊँगी। फिर माँ का बाप का भी तो क्यों होगा, कितने भी जाऊँगा जब कह भी दे। हाँ ये रिंकू का पापा कौन ही, वो ना करवाता, वो ना आता, मन ने भी लुगाई के लगा लिया। आदमी कितने भी जाऊँ, बिजली का बिल भर के आऊँ तो मैं करके आऊँ, पानी का बिल भर के आऊँ तो मैं भर के आऊँ, ठीक है गैस सिलेंडर ठा के लाऊँ इतनी दूर पर सिर के ऊपर तो मैं लेके आऊँ। अरे इबनू घस है, इब तू आ रहा है तो कम से कम बालका का एडमिशन तो करवा दे। चल मना कौन मेरा, और चाल के ना बालका का एडमिशन करवा, ठीक से मैं लुगड़ी बदल ली सुनी तो स्कूल में अच्छा कौन लगेगा। ठीक है मतलब लुगड़ी उतार के ना या चुन्नी ओढ़ है सही लगे है ना, बता दियो खुद। फिर नुका दे मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरे गल ले जाके निशा उठा तो फिर पहन भी कौन देवे। मन्ने तो देख अपने जन्म अच्छी लुगड़ी ओढ़ी है, चुन्नी अच्छी लगती होगी, लगती होगी अच्छी, बस ठीक से है। और इधर स्कूल में चटक मटक होगी ना जाया करी, कति सिंपल जाया करी स्कूल में, तो ले गणा ना करोगे तो ले मैं तो ये चश्मा और लगा लूँगी। हाँ वो मैडम भी तो चश्मा लगाई रखेंगी, मैं भी लगाई लगा लूँ उसमें चश्मा, ठीक है। हाँ और बुक्स और कॉपी कितने की आएंगी, 3,000 की बताओ। नर्सरी क्लास में बच्चा है और 3,000 की कॉपी और किताब जो बुक्स हैं वो क्या वो है उसमें, 20 रुपये की एक नोटबुक आती है, 3-in-1 नोटबुक हो जाती है उसमें, नहीं सभी अलग अलग लगेंगी बताओ। जिसने बालक ना भी तो पेंसिल भी ना पकड़नी आती, और 3,000 की बुक वो पढ़ लेगा ना जी। आपको आपने तो स्कूल की है, आपने तो दुकान कर रखी है कि सामान खरीदो यहाँ से, बच्चे को तो सब कुछ, और वैन जो साधन का है वो अलग रह जाएगा जी। हम करेंगे पूरे साल की फीस जमा, कुछ तो कंसेशन होगा कि नहीं तो कम करोगे। अगर 5 बालक होंगे तो, क्योंकि एक बालक तो हमारा, 4 मारे मेरे देवर के हैं, मेरे चाचा के हैं, पोता पोती, तो उनके करवा देवांगे। फिर कंसेशन क्या होगा 5 बालक में।